Standard 9 Geometry. My dear students, in this video we are going to complete the problem set 1.2. Practice set 1.2, fourth sum. If AB equals 5 cm, BP equals 2 cm and AP equals 3.4 cm. Teen segment ka length diya hua hai, AB ka, BP ka aur AP ka. Compare the segments. Compare ka matlab hota hai kaun bada kaun chota, wo check karna. कोई भी सेगमेंट को, कोई भी नंबर को कंपेयर करने दिया तो हमारा काम क्या होता है, उसमें से कौन सा बड़ा है सबसे, कौन उससे थोड़ा छोटा है, कौन सबसे छोटा है, इस तरह फाइंड आउट करेंगे. अगर दो ही नंबर्स दिया हुआ है तो उन दोनों का भी बड़ा छोटा या इक्वल है क्या, वो फाइंड आउट करना, दैट इज़ कंपेयर. तो हमें आंसर लिखना है. सोल्यूशन, ए बी का लेंथ दिया हुआ लिखा, बी पी जो दिया था वो लिखा, ए पी जो दिया वो भी उठा के लिखा, और उसके बाद इन सबका वैल्यू को देखो, 5 है, 2 है और 3.4 है. अब आप ये तीनों नंबर को जरा कंपेयर करो, सबसे बड़ा कौन आएगा, 5. 5 से थोड़ा छोटा है 3.4, उससे भी छोटा है 2. देखो 5 इज़ ग्रेटर देन 3.4 इज़ ग्रेटर देन 2. अगर नहीं आपको छोटे से लिखना है आप वो भी कर सकते हो, सबसे छोटा 2, फिर क्या होगा, सिंबल इस तरफ होगा, यानी ऐसा 2 इज़ लेस देन, 2 के तरफ हमेशा छोटा ही होना चाहिए. 2 इज लेस देन 3.4 इज लेस देन 5, इसका मतलब है 2 सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा 3.4, उससे थोड़ा बड़ा 5. तो ऐसा करना है तो भी चलेगा, फिलहाल तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं. ओके, तो इसका मतलब 5 किसका था, ए बी का. तो ए बी का लेंथ बड़ा है, बी पी सॉरी ए पी है उसके बाद, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर, ए पी उससे थोड़ा सा बड़ा है, क्यों सॉरी उससे थोड़ा छोटा है 3.4, और उसके बाद इधर आएगा बी पी. तो यहाँ पर हमें दैट इज़ सेगमेंट ए बी बड़ा है, सेगमेंट ए पी उससे थोड़ा छोटा है, और सेगमेंट बी पी सबसे छोटा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द फिगर. ये फिगर दिया है, विद द रेफरेंस ऑफ दिस फिगर, ये फिगर को देखते हुए या इस फिगर के मदद से यू हैव टू फाइंड राइट द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वेश्चन. नीचे दिया हुआ क्वेश्चन से उसका आंसर फाइंड आउट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ ऑपोजिट रे ऑफ रे आर पी. रे आर पी का ऑपोजिट रे का नाम, रे आर पी और उसका ऑपोजिट, रे आर पी हमारे क्वेश्चन में है, उसका ऑपोजिट रे कौन सा है वो फाइंड आउट करना है. तो चलो फिगर में हम देखते हैं रे आर पी किधर है. रे आर पी आर से पी के तरफ, रे आर पी यानी आर से पी के तरफ, यहाँ से जो इस तरफ जाएगा वो पूरा, ये साइड में नहीं है, आर में डॉट है, पॉइंट है, पॉइंट से पी की तरफ पूरे फुल. आर पी बोलो आर क्यू बोलो सभी एक ही रे होता है, याद रखना. आर से शुरू होकर जो जाएंगे कंटिन्यूस, दैट इज रे आर पी. उसका ऑपोजिट होता है उसी पॉइंट से स्टार्ट होकर ऑपोजिट डायरेक्शन में. रे आर पी इस डायरेक्शन में, आर से शुरू पी के डायरेक्शन में, और आर पी के ऑपोजिट मतलब आर से ही शुरू लेकिन उसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो वी कैन राइट आर एस, अदरवाइज आर टी भी लिख सकते हो. ओके, तो रे आर एस इज द ऑपोजिट रे ऑफ रे आर पी. आर एस रे आर पी रे का ऑपोजिट रे है, क्योंकि आर पी इस तरफ जा रहा है, आर एस जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों शुरू हो रहा है आर से. तो हमने लिखा रे आर एस इज द ऑपोजिट रे ऑफ रे आर पी. आर एस जो है आर पी का ऑपोजिट रे है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, राइट द इंटरसेक्शन ऑफ रे आर पी क्यू एंड रे आर पी. इंटरसेक्शन, ये वर्ड हमने कहाँ पे पढ़ा, अलजिब्रा में, बराबर. इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब दो सेट में कॉमन जो रहता है, दैट इज इंटरसेक्शन. राइट द इंटरसेक्शन ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी. चलो फिगर में देख लेते हैं एक बार रे पी क्यू और रे आर पी किस तरह दिखता है. ठीक है, रे पी क्यू देखो यहाँ से इस तरफ, रे आर पी, आर पी यहाँ से. ओके, रे पी क्यू रे आर पी. चलो हम दोनों को स्पेशली अलग सा बना लेते हैं. देखो यहाँ पर मैंने रे पी क्यू और रे आर पी को सेपरेट बना दिया, फुल लाइन नहीं बनाया. देखो पी क्यू यहाँ से है तो मैंने पी क्यू इस तरफ से, ठीक है. पी क्यू को मैं काम कर देती हूँ, पी क्यू को ब्लैक इंक से और एक बार मार्किंग कर लेती हूँ, पी से क्यू तक. तो मैंने पी के जस्ट ऊपर से यहाँ पे से कर रही हूँ, पी से Q
क्यू तक इस तरह जाएगा, ये रे पी क्यू है, पी क्यू, ओके सेपरेट लिखा। अब कौन सा चाहिए आपको, रे आर पी चाहिए साथ में, रे आर पी को भी मैं बनाने जा रही हूँ, उसको बना रही हूँ नीचे, इसके नीचे लाइन के नीचे, और इसे बना रही हूँ रेड कलर से, ठीक है। यहाँ से इस तरह जा रहा है, ओके रे आर पी, रे आर पी इस तरह है, रे पी क्यू इस तरह है, कौन सा जगह में कितने पार्ट में ब्लैक कलर और रेड कलर दोनों हैं, ब्लैक कलर पी क्यू का है, रेड कलर आर क्यू का है या फिर आर पी का है, तो ब्लैक और ब्लू दोनों में कितना पार्ट आया। यहाँ पे देखो तो सिर्फ और सिर्फ आर पी का हिस्सा है, यहाँ पे पी क्यू नहीं है, पर यहाँ से जितने भी आगे है वो पूरा पी क्यू में भी है और ये आर पी वाले रे में भी है, पी क्यू वाला रे में भी है और आर पी वाला रे में भी ये इतना हिस्सा आया है, दैट मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन ये है, क्या है, रे पी क्यू। नहीं समझा, देखिए वापस से, ये मैं यहाँ पर रे पी क्यू बनाया, पी क्यू, अब मैं क्या कर रही हूँ, इधर एरो मार्क भी दिया, अब रे आर पी बना रही हूँ, रे आर पी, आर पी थोड़ा यहाँ से है, आर पी, ठीक है, यहाँ से मैं बना रही हूँ रे आर पी, इधर आर, अभी पी क्यू और आर पी दोनों का कलर कितने हिस्से में आया, यहाँ पर से आगे, बराबर, ये पी क्यू जो है आर पी में भी है, पी क्यू जो है पी क्यू में भी है, दोनों में जितना पार्ट है वो, दैट इज रे पी क्यू, रे पी क्यू दोनों के हिस्से में है। तो हमारा राइट द इंटरसेक्शन ऑफ पी क्यू और आर पी, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया है, रे पी क्यू इज द इंटरसेक्शन ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द यूनियन सेट ऑफ सेट पी क्यू एंड सेट, सॉरी रे क्यू पी क्यू आर, यूनियन फाइंड आउट करना है, यूनियन का मतलब क्या होता है आप बताइए, यूनियन सेट अलजेब्रा में पढ़ा है, यस, पूरे के पूरे एक साथ मिलाकर यूनियन, जो कुछ भी दिया हुआ रहता है उनका सबका एक साथ टोटली जोड़ देना, दैट इज यूनियन। तो यूनियन सेट बनाने का है किस किस के, रे पी क्यू के और रे क्यू आर के, रे पी क्यू और रे क्यू आर दोनों का मिलाकर, दोनों को मिलाकर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, लेट्स सी द फिगर, रे पी क्यू और रे क्यू आर, रे पी क्यू देखो यहाँ से आगे राइट साइड में और रे क्यू आर, क्यू आर मतलब यहाँ से पीछे, रे पी क्यू देखो इतना, यहाँ पे मैंने ये मार्कर रखा और रे कौन सा है दूसरा, क्यू आर, क्यू आर किधर से आएगा, यहाँ से, क्यू आर का देखो मैंने यहाँ पे रखा, तो टोटल क्या हो गया, दोनों का यूनियन, कॉमन वाला एक ही बार लिखते हैं यूनियन में, तो यहाँ से लेके फुल है, दैट मीन्स द लाइन, द होल लाइन इज देयर यूनियन, और यहाँ पे वो लाइन को आप कई अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, लाइन पी क्यू बोल सकते हो, लाइन आर क्यू बोल सकते हो, लाइन एस आर बोल सकते हो, लाइन टी पी, टी एस, टी आर, कोई भी नाम, मतलब कोई भी दो लेटर लो आप इस लाइन का नाम ले सकते हो, तो जैसा चाहिए वैसा आंसर लिख सकते हो, तो आई एम राइटिंग द लाइन पी क्यू, अदरवाइज यू कैन राइट द लाइन टी क्यू, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट, सो लेट अस राइट लाइन टी क्यू, ओके। सो हमारा आंसर हुआ लाइन टी क्यू इज द यूनियन ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर, आप टी क्यू के बदले में पी क्यू भी लिख सकते हो, आर क्यू भी लिख सकते हो, कोई भी दो लाइन, सॉरी दो पॉइंट लाइन में से लेकर लिख सकते हो, सो दैट इज द यूनियन ऑफ दिस टू रेज। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रेज ऑफ विच, स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट, सेगमेंट क्यू आर कौन से रे का सबसेट है, कौन सा रे का सबसेट का मतलब हिस्सा, कौन सा रे का अंदर का छोटा सा पार्ट है सेगमेंट क्यू आर, ओके सेगमेंट क्यू आर कौन से रेस के, कौन कौन से रेस के सबसेट है, चलो वापस से हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए फिगर में देखना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन, स्टेट द रेस ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट, क्यू आर, क्यू से लेकर आर तक आप देख सकते हो, क्यू से आर तक सेगमेंट क्यू आर क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके सेगमेंट क्यू आर है यहाँ से यहाँ तक, वो कौन कौन से रे का हिस्सा है, रे आर क्यू का या फिर रे आर पी का भी हिस्सा है,
रे एसपी का भी हिस्सा है, रे टी टी क्यू टी एस जो बोलो वो सभी रे का हिस्सा है। अगर मैंने रे टी एस बोला, वो रे टी एस इधर से स्टार्ट होकर ऐसा सा जाएगा, तो उसके अंदर भी क्या आता है, पी क्यू आता है, सॉरी क्यू सेगमेंट कौन सा था क्वेश्चन में, क्यू आर, तो उसके अंदर भी सेगमेंट क्यू आर आता है। अगर समझो मैंने यस से लिया, यस से आगे जाने वाला रे, यानी एस आर बोलो या एस पी बोलो एस क्यू कोई भी बोलो, एक ही मतलब है, तो रे एस आर के अंदर भी क्या आता है, सेगमेंट क्यू आर आता है। और रे आर पी या फिर आर क्यू यहाँ से इस तरह, तो उसके अंदर भी क्या आता है, सेगमेंट क्यू आर आता है। तो ये तीनों का हिस्सा है सेगमेंट क्यू आर। तो कौन से रे हो गया, रे और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है। देखो अगर रे क्यू से लेकर आर के तरफ इधर से इस तरफ जाओगे तभी भी कौन सा इतना हिस्सा आता है, ये जो हिस्सा है क्यू आर इस तरफ जाने वाले, क्यू से इस तरफ जाने वाला रे पे है, पी टी से जो इस तरफ जाने वाला रे के अंदर भी वो है, एस से इस तरफ जाने वाला रे के अंदर भी है, आर से इस तरफ जाने वाले रे के अंदर भी है। तो कौन से रे में क्यू आर है, या फिर क्यू आर किस किस का सबसेट है, तो हम एक एक करके लिखते हैं आंसर। सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट ऑफ, तो मैंने रे रे क्यू आर लिखा जो यहाँ से इधर है, उसके बाद इधर से चालू कर देते हैं रे टी क्यू, रे टी क्यू में है आर क्यू या क्यू आर, उसके बाद रे एस से चालू कर देते रे एस क्यू, उसके अंदर भी यही हिस्सा है। ये एस क्यू का नाम अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, एस आर भी लिख सकते हैं, एस पी भी लिख सकते हैं, तो अलग अलग लोगों का आंसर में ये लेटर्स जो है अलग अलग ही होगा। अगर खुद से फाइंड आउट किया किसी ने आंसर, तो ज़रूरी नहीं कि सबका आंसर में लेटर्स सेम हो, क्योंकि रे क्यू आर, क्यू आर रे को मैं टू क्यू पी नाम दे सकते हैं, कोई और क्यू एस नाम दे देंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि स्टार्टिंग में क्यू होना चाहिए और एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यस से मैंने क्यू तक लिया, अभी आर से भी तो ले सकते हैं, रे आर क्यू, आर क्यू। अब आप बोलेंगे इधर रे क्यू आर तो ऑलरेडी है, फिर आर क्यू क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग रे है बच्चा। रे क्यू आर क्यू से स्टार्ट होकर आर के तरफ जाता है, रे आर क्यू आर से स्टार्ट होता है क्यू की तरफ जाता है, तो इतने रेस का सबसेट है कौन, सेगमेंट क्यू आर। सेगमेंट क्यू आर इन चारों रेस का सबसेट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट रेस विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। पेयर यानी जोड़ी, ऑपोजिट रे का जोड़ी निकालना है या जोड़ी लिखना है जिसका कॉमन पॉइंट यानी जो शुरू होती है किससे, आर से। रे आर से, सॉरी पॉइंट आर से शुरू होने वाला दो ऑपोजिट रे, देखते हैं फिगर में इमेज देखेंगे। देखो राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट रेस विथ कॉमन एंड पॉइंट आर, कॉमन एंड पॉइंट आर, आर से शुरू होने वाला दो ऑपोजिट रे, एक आर पी हो गया एक आर एस हो गया, या फिर उसका नाम ऐसा भी बोल सकते हैं, आर क्यू हो गया आर टी हो गया। ओके तो हम लिखेंगे रे आर क्यू आर टी, ओके चलेगा, रे आर टी एंड पहला ये साइड का लिख दिया रे आर क्यू। अभी किसी और का आंसर्स में अलग लेटर होंगे, उन्होंने शायद ऐसा लिया होगा आर एस और आर पी लिए होंगे, या फिर आर एस और आर क्यू लिए होंगे, समझ रहे हो चीज, मतलब मीनिंग तो एक ही हो गया, आर टी बोलो या फिर आर एस बोलो, पर इतना है कि आर से दोनों स्टार्ट होना है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दीज आर ऑपोजिट रेस स्टार्टिंग फ्रॉम या फिर एंडिंग इन द पॉइंट आर टी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो राइट एनी टू रेस, कोई भी दो रे लिखो विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। अभी जैसा पूछा वैसे ही, अभी आर से पूछा था, अभी एस से, एस से यस एंड पॉइंट वाला दो रे लिखो। आप यस से शुरू होकर एस आर एस पी वगैरह लिखेंगे, लेकिन वो दो सभी सेम ही रे होगा। अगर आपने लिखा यस से स्टार्ट होकर रे एस आर और वापस से रे एस पी, वापस से रे एस क्यू, पर ये तीनों जो अभी मैंने बोला सब सेम है, क्योंकि यस से स्टार्ट होकर यही जो जा रहा है वो है, इसलिए दो अलग अलग रे चाहिए, तो एक इस तरफ का लेना पड़ेगा, एक यस से स्टार्ट होकर उस तरफ का लेना पड़ेगा। तो आंसर लिख देंगे हम रे इस तरफ एस टी एंड रे इस तरफ, आप जो चॉइस करना है कर सकते हो, एस आर लिखो एस पी लिखो, आई एम राइटिंग एस आर, रे एस आर।
ये दो रेस पॉइंट एस से स्टार्ट होकर आया है, बराबर है। नाउ अभी वापस इंटरसेक्शन का क्वेश्चन आया है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी रे एस टी, रे एस पी और रे एस टी। चलो चेक कर लेते हैं रे एस पी किधर है और रे एस टी किधर है। रे एस पी एस से लेकर पी की तरफ ये जो जा रहा है, अभी लास्ट सम था इसके लिए मैंने इसको कचरा कर दिया, ओके। और रे एस टी, एस टी इधर से स्टार्ट होकर आई सा जा रहा है। इनमें और इनमें दोनों में इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही पॉइंट है, इधर जो रे जा रहा है एस से शुरू होकर इस तरफ जा रहा है, दूसरा एस से लेकर उस तरफ जा रहा है। तो दोनों में कौन सा हिस्सा है, कौन सा कॉमन है, सिर्फ एक ही एक पॉइंट, दैट इज पॉइंट एस। सो हमारा आंसर विल बी पॉइंट एस इन दोनों रे का इंटरसेक्शन, क्योंकि एक रे इस तरह जा रहा है एस पी और दूसरा जा रहा है एस टी, बराबर। तो दोनों रे में इतना ही हिस्सा यानी एक एक पॉइंट कॉमन है, सो दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी, पॉइंट एस। नाउ आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द फिगर, अभी दूसरा एक फिगर दिया हुआ है उस फिगर के मदद से आंसर करना है। एक नंबर लाइन दिया हुआ है यहाँ पर, ओके। इससे पहले जो दिया था नंबर लाइन नहीं था क्योंकि उसमें कोई नंबर नहीं थे, तो यहाँ पर एक नंबर लाइन दिया हुआ है जीरो, इधर सब मार्किंग किया हुआ है और हर एक मार्किंग का जो हर एक जो कोऑर्डिनेट्स है उसको एक एक पॉइंट भी दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टे द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी, स्टे द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस में फ्रॉम द पॉइंट बी। यू टेक पॉइंट बी, पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस में कौन कौन से पॉइंट्स है, आपको तो बहुत सारे पॉइंट मिलेगा। बी से देखो इक्वल डिस्टेंस में एक सी है, मतलब बी से टू यूनिट डिस्टेंस में सी है और बी से टू यूनिट डिस्टेंस में ए भी है। इसी तरह बी से, पॉइंट बी से वन टू थ्री फोर, थ्री में वी है लेकिन इस तरफ थ्री में कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगेन बी से डी कितने में है, देखो बी से वन टू थ्री फोर यूनिट डिस्टेंस में डी है। अब इस तरफ देखते हैं बी से वन टू थ्री फोर यूनिट में पी है, तो हम क्या क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, बी से इक्विडिस्टेंट दो पॉइंट, बी से इक्वल डिस्टेंस में जो पॉइंट्स है वो क्या क्या है। वापस से देखते हैं बी, बी से राइट साइड में जाता है वन टू, टू यूनिट आगे जाओगे तो सी पॉइंट मिलेगा, और इसी तरह बी से लेफ्ट साइड में टू यूनिट जाकर देखो वन टू क्या मिलेगा, ए, तो पॉइंट ए और पॉइंट सी इक्वल डिस्टेंस में है। उसी तरह आगे जाता है वापस से बी से वन टू थ्री यूनिट आगे राइट साइड में वी है, इसी तरह बी से थ्री यूनिट पीछे जाओ लेफ्ट साइड में वन टू थ्री, पर यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया तो वो जोड़ी को नहीं लिख सकते। अभी नेक्स्ट और एक बार आगे जाता है बी से वन टू थ्री फोर, फोर यूनिट पे डी पॉइंट पड़ा हुआ है, लेफ्ट में भी जाता है फोर यूनिट, वन टू बी से ही स्टार्ट करना है, ओके। इधर दिया है फ्रॉम पॉइंट बी वन टू थ्री फोर, फोर में कौन है, पी है, सो वी कैन राइट पॉइंट ए एंड सी फर्स्ट जोड़ी और दूसरा पॉइंट पी एंड डी। तो ये रहा हमारा आंसर बी से इक्वल डिस्टेंस में, एक ए और सी, दूसरा पी और डी, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, पॉइंट पी एंड पॉइंट डी, ओके। अभी हमसे एक और क्वेश्चन पूछा है, राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू से इक्वल डिस्टेंस में ए पेयर यानी एक ही जोड़ी चाहिए क्यू से इक्वल डिस्टेंस। देखते हैं नंबर लाइन में, ये हमारा नंबर लाइन था, हमको अभी क्यू से इक्वल डिस्टेंस देखना है। क्यू इधर है, क्यू से टूअर्स राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल देखो, यू एक ही यूनिट डिस्टेंस में है, इधर भी एक ही यूनिट डिस्टेंस में एल है, लेफ्ट साइड में एक यूनिट डिस्टेंस में यू है, राइट साइड में एक यूनिट डिस्टेंस में एल है। यू कैन राइट पॉइंट यू एंड पॉइंट एल, और क्यू से वन टू, टू यूनिट डिस्टेंस में आर है लेफ्ट साइड में, और क्यू से वन टू, टू यूनिट राइट साइड में, टू यूनिट डिस्टेंस में राइट साइड में पी है, तो आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट आर और पॉइंट पी, ये भी लिख सकते हो। ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ आस्क्ड ओनली वन पेयर, कोई एक पेयर। चलो हम कौन सा लिख देते हैं, क्यू से दो यूनिट डिस्टेंस वाले आर लेफ्ट साइड के, और क्यू से दो यूनिट डिस्टेंस राइट साइड वाले पी, आर और पी लिख देते हैं। अगर नहीं आपको अच्छा लगता है यू और एल, यू कैन राइट यू और एल, सो आई एम राइटिंग हियर पॉइंट आर एंड पॉइंट पी, ओके। दैट आंसर इज ऑल्सो फिनिश्ड। सो माई डियर चिल्ड्रेन, इस तरह हमारा वो प्रैक्टिस सेट कम्प्लीट हो गया। अभी फर्स्ट लेसन कम्प्लीट होने के लिए अभी और भी बाकी है, और एक प्रैक्टिस सेट है 1.3, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।